यदि जीवन है तो निराशा किस में नहीं है, दुख किस में नहीं है, हार किस में नहीं है, लेकिन इसके साथ ही फिर आशा किस में नहीं है, सुख का आभास किस में नहीं है, जीत की प्रसन्नता किस में नहीं है। ये सब एक ही जीवन पर होते हैं। दरअसल हमारा जीवन इन्हीं उतार चढ़ाव भरी बड़ी छोटी धारा में प्रवाहित हो रहा है, और यह कोई मात्र आम जन की बात नहीं है, बल्कि इस मझधार में तो हमारे ईश्वर की भी नाव फंसी है कई बार। विचार करिए, मानव जीवन को एक आदर्श ढांचा देने के लिए प्रभु श्री राम को क्या क्या न सहना पड़ा, क्या क्या न करना पड़ा, क्या क्या न त्यागना पड़ा। क्या राम अपनी इस पूरी कथा में विचलित नहीं हुए? क्या राम निराश नहीं हुए? लेकिन सीखने की बात यह थी कि वो संभले भी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आशाएं नहीं खोई, और यही संदेश वो हम सब तक पहुंचाना चाहते थे, यही संदेश जो वो पीढ़ियों को देना चाहते थे। वो घटना याद है जब रावण से युद्ध के समय प्रभु श्री राम की पराजय हो रही थी, असत्य सत्य पर भारी पड़ रहा था, असत्य के अट्टहास सत्य को आहत कर रहे थे, न जाने कितने ही वीर राक्षसों का वध करने वाले बाण प्रभावहीन थे, याद है वो घटना। ऐसे समय में क्या दशा रही होगी राम की, और फिर किस तरह से वो उठ खड़े हुए। अगर यह भाव महसूस करना है तो आपको महाप्राण निराला जी के साथ इस युद्ध के दृश्य में चलना होगा, उनकी अमर रचना राम की शक्ति पूजा के साथ, जहां प्रभु श्री राम के माध्यम से मानव जीवन की विवशता और सामर्थ्य की साथ यात्रा हो पाएगी। तो आइए चलते हैं रणक्षेत्र में निराला जी के साथ, जहां आज के दिवस राम अपनी पराजित सेना के साथ रावण का अट्टहास सुनते लौट रहे हैं। असत्य का निर्भीक नाद सारे संसार को भयभीत कर रहा था, प्रभु श्री राम की निराशा उनके चेहरे को मलिन कर रही थी। अब यह दृश्य आप निराला जी से सुनिए, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो, विच्छुरित वनी राजीव नयन हत लक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंका पति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेश राम विश्वज दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुद्रस्त्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गीरित वही भीम पर्वत कपि चतुष्प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, विदमहोलास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लत धन गुण है कटिबंध स्त्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए, फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पदक्षाल नार्थ पटु हनुमान,
अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुध विशाल, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जगजीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योतिष प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी, सिहरातन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलव ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराद शिरस्त्र दूषण खर, फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खिंच गए द्रिगों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्ठहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल।